एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समाजवादी पार्टी के तहसील स्तरीय आह्वान के बाद आज सपा नेता ने जनपद के तहसीलों पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे महावन तहसील पर, गोवर्धन तहसील पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का योगी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहा। सपा कार्यकर्ताओं को इलाका पुलिस ने रोक दिया, तहसील तक सपाइयों को जाने नहीं दिया। सैकड़ों की तादाद में पुलिस भी मौके पर एकत्रित रही। सपा नेताओं ने अपना 12 सूत्रीय ज्ञापन मौके पर आए एसडीएम गोवर्धन राहुल यादव और एसडीएम महावन को सौंपा। तमाम कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ एसडीएम को अपना ज्ञापन सौंप दिया। वहीं एसडीएम राहुल यादव कुछ भी कहने से बचते रहे और एसडीएम महावन ने जानकारी दी। सपा नेता रणवीर सिंह धनगढ़ ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी चुनाव में प्रदेश की योगी सरकार को उखाड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे जनपद में सपा कार्यकर्ता तहसील पर धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में हमने किसानों, नौजवानों और बेरोजगारों को लेकर ज्ञापन दिया है। महिलाओं की समस्या, किसानों की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, साथ ही स्थानीय किसानों की फसलों की समस्या सहित पराली के मुकदमे निरस्त करने की मांग की है। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से तहसील स्तर पर ज्ञापन देने का रूल, इसमें हम तहसील साहब ने तहसील के बाहर जाकर एक स्थान पर ज्ञापन लिया। इसमें किसानों की कुछ समस्याओं से संबंधित है ज्ञापन, जो राज्यपाल महोदय को संबोधित है। तहसील स्तर पर हम लोगों ने अपनी एक असली तैयारी कर रखी थी, इसलिए तहसील स्तर पर नहीं, बाहर जाकर एक स्थान पर ये लोग आए थे, वहीं पर हमने जाकर ज्ञापन लिया है। और कुछ मांग रखी है सर? इन्होंने जो मांगे रखी है इस ज्ञापन में है, जिसको भी संबंधित मतलब प्रदेश स्तर पर इसको तत्काल ले जाना है। थैंक यू।